सो 2005 और 2004 के अराउंड सचिन तेंदुलकर जब अपने गेम में भाई टॉप ऑफ द गेम चल रहे थे, जब रिटायर हुए थे खैर तब भी टॉप ऑफ द गेम ही थे, बट 2004 और 2005 में जब खेल रहे थे तो भाई बहुत सारे मैचेस उनके स्किप हुए, बहुत सारे उनको इंजरीज हुई, कई और रीजंस की वजह से वो मैच नहीं खेल पाए, जिसमें से एक बहुत बड़ा रीज़न था टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो जो कि हमारा यहाँ पे होता है, हमारे फोर आर्म में, आपका पेन भाई सीवियर होता जाता है, एक्यूट होता जाता है, वो आपके फिंगर्स तक जा सकता है। सो उस टाइम 2004-2005 में पूरे इंडिया भर में लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं था व्हाट इज़ टेनिस एल्बो, नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भाई टेनिस एल्बो क्या होती है, बट जस्ट बिकॉज सचिन तेंदुलकर को हुआ तो आधे से ज़्यादा देश को पता चल गया कि भाई टेनिस एल्बो जैसी भी कोई चीज़ होती है एंड इट माइट गेट डेंजरस। खैर टेनिस एल्बो को और भी नामों से जाना जाता है, लाइक गोल्फर्स एल्बो, सूटकेस एल्बो, आपकी बेसबॉल एल्बो, ये सब नाम होते हैं, बट इंडिया में तो भाई टेनिस एल्बो है, जब से सचिन को हो गया था इट्स टेनिस एल्बो। तो अब अगर हम बात कर ही रहे हैं आज टेनिस एल्बो की, तो टेनिस एल्बो बताने से पहले मैं आपको दो चीज़ें और क्लियर करना चाहता हूँ, एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट, कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। आई होप आप लोग को, काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। टेंडन बेसिकली हमारा होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें हड्डी होती है और होती है मसल, तो इन दोनों को जो जोड़ता है उसको हम लोग कहते हैं टेंडन। सो ये हमारा हो गया टेंडन, ये हमारी हो गई मसल, ये हमारा हो गया टेंडन, और ये हमारी हो गई हड्डी बोन, इसको जो जोड़ेगा वो होगा टेंडन। ये होगा आपका टेंडन और आपका होता है लिगामेंट। लिगामेंट मतलब हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाला। सो ये हमारी बोन, ये हमारी बोन और ये हमारा लिगामेंट। इस तरह से हमारी हड्डी और हड्डी जुड़ती है लिगामेंट से, हड्डी और मसल जुड़ती है हमारी टेंडन से। सो यही सेम चीज़ हमारी यहाँ पे भी है फोरआर्म में, हमारी जो एक्सटेंसर टेंडन है, एक्सटेंसर रेडियालिस है, मसल्स जो हमारी जा रही हैं वो सब जाके यहाँ पे जुड़ती हैं हमारे टेंडन पे, जो हमारा टेंडन है जो हमारी हड्डी से जुड़ा हुआ है। सो बेसिकली उस टेंडन में ये इशू होता है, जिसको हम लोग एपिकोंडिलाइटिस भी कहते हैं डॉक्टर्स के टर्म में अगर हम बोलें तो, एपिकोंडिलाइटिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टेंडन लिगामेंट की बात, कि भाई हमारे ये ऐसे ऐसे बात है। अब हम बात करते हैं कि भाई ये होता क्यों है, हमारी ये जो है कंडीशन जो एक होती है टेनिस एल्बो वाली, ये होती क्यों है। सी इसका सिंपल सा एक आंसर है, वो है रेपिटेटिव मूवमेंट्स ऑफ रिस्ट। जब आपकी रिस्ट है, ठीक है, हम लोग लाइक बैडमिंटन, जब जो ज़्यादातर लोगों किसको होती है, जो लोग बैडमिंटन खेलते हैं भाई, स्मैश मारते हैं, सर्व करते हैं, लॉन टेनिस खेल रहे हैं, और जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उन लोग को भी होती है, क्योंकि भाई रिस्ट का मूवमेंट आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लस हाउसवाइफ्स की अगर हम बात करें, जो घर पे भाई औरतें होती हैं, उनको भी कंडीशन हो सकती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि वो खाना बना रही हैं भाई, आटा गूंदना है, तो रिस्ट का मूवमेंट होना है, तो उनकी यह जो मसल होती है, हर इंसान की ये मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उस वजह से आपको ये जो टेनिस एल्बो है इसकी इशू हो जाती है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ये मानना है कि जस्ट बिकॉज आपकी ये जो मसल है वो वीक है, उस वजह से आपको ये एपिकोंडिलाइटिस टेनिस एल्बो का इशू हो रहा है। सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप घर पे हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। आपको बेसिकली यहाँ पे अपना जो है ना एक स्ट्रेच देना है, ठीक है, आपका जितना ज़्यादा ये मसल आपकी जो है फोर आर्म की स्ट्रेच होगी, उतना ज़्यादा ही आपका पेन रिलीव होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे जो टेंशन है वो रिलीज़ होगा। सो सबसे पहला स्ट्रेच हमारा हो गया पाम फेसिंग अपवर्ड्स, आपको ये करना है, ठीक है, 15-30 seconds होल्ड यहाँ, सेम नीचे 15-30 seconds होल्ड यहाँ। सिर्फ करना नहीं है, आपको फील करना है कि भाई हाँ यहाँ पे पूरा मेरा स्ट्रेच हो रहा है, चाहे मेल करें चाहे फीमेल करें, यही एक्सरसाइज आपको करनी है कि भाई पूरा मेरा फोरआर्म जो है, अपर फोरआर्म, ये पूरा मेरा स्ट्रेच हो रहा है, मुझे यहाँ पे फील आ रहा है। यस, आप इसमें अपनी फिंगर्स बंद करके भी कर सकते हो, उससे आपको फील और ज़्यादा आएगा, क्योंकि भाई जैसे आपने ये खोला, आप फिंगर्स बंद करोगे तो आपका ये और ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि भाई हमारी फिंगर्स यहाँ से क्लोज़ हो रही हैं, ठीक है। सो यही चीज़ आप इस हाथ पे भी कर सकते हो, 15-30 seconds होल्ड ऊपर, 15-30 seconds होल्ड नीचे, आप चाहे तो अपना एक फिंगर्स क्लोज करके भी कर सकते हो ऊपर नीचे। प्लस आप अपने हाथ में वेट भी पकड़ सकते हो, अगर आपके हाथ में बहुत घर में हल्के हल्के वेट होते हैं, लाइक 100 grams, 200 grams, आधा किलो का वेट है, तो आप वो पकड़ के भी ये मूवमेंट कर सकते हो। ये मूवमेंट बहुत इफेक्टिव है, सी यू कैन फील द स्ट्रेच, आप देख रहे हो मेरी मसल यहीं पर मूव कर रही है यहाँ पे, ये इसका मतलब काम हो रहा है, वर्क इज़ गोइंग ऑन हमारे इस पार्ट में, बस वही आपको चाहिए।
प्लस ये तो होगा ही, चलो भैया आपने घर पे कर ली एक्सरसाइजेस, जिससे आपका पेन कम हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको इसमें बता दूँ, जो लोग जिम जाने वाले हैं, वर्कआउट करते हैं, हैवी वेट ट्रेनिंग करते हैं, अगर आपको ये प्रॉब्लम है बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जिम जा रहे हो। जिम में आप चाहे कोई भी बॉडी पार्ट लगा लो, शोल्डर, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सब में आपका फोरआर्म इन्वॉल्व होता है। बट हमारी जो ट्राइसेप्स की मूवमेंट होती है, ट्राइसेप पुश डाउन, ट्राइसेप एक्सटेंशन जो होता है, हमारा बाइसेप्स होती है, हमारी जो फोरआर्म की एक्सरसाइज होती हैं, अगर आप ये एक्सरसाइजेस प्रॉपरली कर रहे हो तो आपकी फोरआर्म यार वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी। और मेरा ये मानना है भाई, बेसिकली आपका ये होता है कि जस्ट बिकॉज आपकी फोरआर्म की मसल वीक है, भाई वीक है इस वजह से आपको यहाँ पर टेनिस एल्बो का इशू हो रहा है, ठीक है। वीक का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई अब जैसे सचिन तेंदुलकर को हुआ, रेपिटेटिव मूवमेंट्स करने पे हुआ, इसीलिए हुआ क्योंकि भाई शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कमी रह गई होगी। सो आपको वो प्रेशर पहले तो रिलीज़ करना होगा, ठीक है। वो प्रेशर जहाँ पे रिलीज़ होगा उसके बाद आप उस मसल को स्ट्रॉन्ग करो। भाई हम अगर इंजर्ड होते हैं, अगर हमारी लोअर बैक इशू होती है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले घर जाते हैं, घर जाके भाई रेस्ट करते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम हुई है पहले तो हम उससे करें रिकवर। जब आप रिकवर कर लेते हो फिर आप ये सोचते हो कि यार हमें ये प्रॉब्लम हुई क्यों, आप उस चीज़ से वर्क करते हो ताकि इन फ्यूचर आपको वो प्रॉब्लम ना हो। और वो प्रॉब्लम होती है कि भाई उस पार्ट को और स्ट्रॉन्ग करना ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। सो ये बेसिकली चीज़ होती है कि भाई आपको अपनी फोरआर्म कितनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ये मूवमेंट होते हैं, ठीक है, ये मूवमेंट बहुत अच्छे हैं आपके मसल को स्ट्रेच करने के लिए, फ्लेक्स करने के लिए, जो प्रेशर होता है उसको रिलीज़ करने के लिए। बट इन दी एंड आपको अपनी मसल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए मैं बता दूँ, कोई इशू नहीं है यार, आप जिम जा रहे हो, वर्कआउट करते रहो, हैवी वेट उठाते हो, वेट ट्रेनिंग करते हो, करते रहो, आपकी मसल इन टाइम स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर ये प्रॉब्लम आपको है इन टाइम ख़त्म हो जाएगी। अब हर इंसान को अलग अलग टाइप का भाई इशू होता है इसमें भी, टेनिस एल्बो की अगर हम बात करें, कुछ लोग को बहुत स्टार्टिंग स्टेज होगी, कुछ लोग को मीडियल स्टेज होगी, कुछ लोग को बहुत एक्सेसिव लाइक मतलब एकदम जिसको मैंने बोला ना एक्यूट पेन, एक्यूट पेन की अगर हम बात करें तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर एक्यूट पेन है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाना, देखना कि वो आपको क्या एडवाइस देता है कि भाई आपको टेनिस एल्बो ही है, कहीं कुछ और तो नहीं है। क्योंकि भाई हमने एक चीज़ बता दी टेनिस एल्बो, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टेनिस एल्बो है भाई? या तो अगर आप बैडमिंटन खेलते हो तो आप भाई ऑब्वियसली आप खेलते रहोगे तो जान जाओगे कि भाई जब भी मैं खेलता हूँ मेरे पेन होता है, जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ मेरे पेन होता है, जब भी मैं लॉन टेनिस खेलता हूँ मेरे पेन होता है, तो आप समझ जाओगे आपको टेनिस एल्बो। लेकिन और भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो लोग नहीं जान पाएंगे कि उनको टेनिस एल्बो है कि नहीं, बस यहाँ पे पेन होता है तो उन लोगों ने सोच लिया कि भाई टेनिस एल्बो है। नहीं, उस वजह से आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि वो क्लियर कर देगा कि भाई आपको टेनिस एल्बो है, कोई और इशू है या कहीं कुछ और इशू तो नहीं है। सो ये है हमारी बात। बाकी इसके लिए यार और भी चीज़ें होती हैं, लाइक फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी में आपको बेसिकली क्या है, टेंस मशीन दी जाती है, हमारी नर्व स्टिमुलेटर होता है। नर्व स्टिमुलेटर का एक चलो क्विक टिप देता हूँ, नर्व जो स्टिमुलेटर होता है ना, बेसिकली मेरे पास भी रखा हुआ है, तो नर्व स्टिमुलेटर आपका एंडोर्फिन जो होता है वो रिलीज़ करता है आपकी बॉडी में। एंडोर्फिन काम क्या करता है, एंडोर्फिन आपका जो पेन होता है, लाइक अगर आपके यहाँ पेन हो रहा है, वो यहाँ से पेन आपके ब्रेन तक नहीं जाने देगा, वो यहीं पे उसको स्टॉप कर देता है। तो जैसे ही आप नर्व स्टिमुलेटर टेंस मशीन आप यूज़ करते हो, लाइक 10 मिनट 15 मिनट, तो आपका पेन ख़त्म हो जाता है कुछ टाइम के लिए, यू फील वेरी मच फाइन। अब ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि हमारा जो पेन होता है, जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर के पास ज़रूर जाना, बेसिकली वो बताने का मेरा मेन रीज़न ये था कि भाई क्या है कि हमारी यहाँ पे जो नर्व्स आ रही हैं, वो नर्व्स आ रही हैं हमारे यहाँ से गर्दन से होते हुए, तो वो स्पॉन्डिलाइटिस वाली अगर एक इशू कुछ लोग को होगा कि भाई स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से कुछ पेन उनका यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है, कुछ और चीज़ हो रही है, तो इस वजह से मैंने आपको बताया था कि भाई डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना कि एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली में आपका जो इशू है वो क्या है। रेस्ट अगर आपको टेनिस एल्बो ही है तो मैंने आपको बता दिया, दो तीन मैंने आपको स्ट्रेचेज बताए हैं बहुत अच्छे अच्छे, सिर्फ रिस्ट के स्ट्रेचेज आप करना यार, अप डाउन, वेट पकड़ के, हाथ खोल के, ठीक है, आप साइडवेज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्लस अगर आप जिम जाते हो तो कोई घबराने की बात ही नहीं है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ईटिंग हेल्दी फूड एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग।